दोस्तों हर साल देखा जाए तो हजारों स्टूडेंट्स, हजारों की तादाद में जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं पीएचडी के लिए, मतलब वो पीएचडी करना चाहते हैं, अपने नाम के आगे प्रीफिक्स लगाना चाहते हैं एज अ डॉक्टर, तो प्रीफिक्स डॉक्टर लगाने के लिए उन्हें करना होता है पीएचडी। और पीएचडी करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। रिक्वायरमेंट्स कैसी होती हैं? जैसे कम से कम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स में, मास्टर्स किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, साथ में ही किस सब्जेक्ट में आप रिसर्च करने वाले हो, क्या आपका टॉपिक रहेगा, यह आपको पता होना चाहिए, और भी कई सारी चीजें होती हैं। बट पीएचडी करने के दौरान जब आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हो तो कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ होती हैं। ऐसी 3 प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बताऊंगा जो प्रॉब्लम्स अक्सर होती हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इसी तरह से आपके साथ ठगी भी करती हैं। हमने आपको कई बार बताया है कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए पीएचडी एडमिशन लेने से पहले, और आज अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके साथ होती है। आप में से ज्यादातर स्कॉलर्स हमारी बात से एग्री करेंगे, और अगर एग्री करते हो हमारी इन बातों से तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, बाकी और स्कॉलर्स को भी उससे मदद मिलेगी। तो ज्यादा कुछ जानने के लिए कि पीएचडी में कौन सी गलतियां आप नहीं करेंगे या क्या प्रॉब्लम्स आपके साथ होती हैं, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों पीएचडी आप करना चाहते हो, पीएचडी करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया 55% आपके मार्क्स होने चाहिए, बजट आपका 2 लाख से 3 लाख के बीच में होना ही चाहिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर आप पीएचडी करना चाहते हो, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर्स की हो। अब यहाँ पर पहली बात यह भी आती है कि कई बार मास्टर्स आप कहीं से भी कर लेते हो, पीएचडी करने चले जाते हो तो पीएचडी में डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई नहीं होते हैं, तो मास्टर्स आप देख के करें किस यूनिवर्सिटी से आपने की है। अब बात करते हैं सबसे पहली जो प्रॉब्लम्स अक्सर पीएचडी स्टूडेंट्स के साथ में होती है अगर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत सारी हैं, और बहुत सारी जो ये यूनिवर्सिटीज हैं ये अपने हर 2 महीने 3 महीने में एंट्रेंस डिक्लेयर करती रहती हैं, जबकि एज पर यूजीसी गाइडलाइन इतने ज्यादा एंट्रेंस यूनिवर्सिटी नहीं करा सकती, अपने सीट्स को पूरा कर सकते हैं बट इन यूनिवर्सिटीज को फर्क नहीं पड़ता। तो आपको सबसे पहली बात तो आपको यूनिवर्सिटी का चयन सोच समझ के देख कर उसके बारे में जानकर करना चाहिए, ऐसे ही किसी के कहने से, किसी के बताने से, कोई कंसल्टेंट आपको बता रहा है ऐसे ही आपने एडमिशन ले लिया या फिर एडवर्टीजमेंट के हवाले से आपने एडमिशन ले लिया, ये गलतियां आप बिल्कुल ना करें, आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। ये यूनिवर्सिटीज एडमिशन ले रही है सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी या फिर आपकी पीएचडी आगे जाकर अवार्ड भी होगी या नहीं होगी। दोस्तों आप एडमिशन लेना चाहते हैं पीएचडी में, कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी आप ढूंढ रहे हैं या फीस को कंपेयर करना चाहते हैं या हमारी कोई भी सजेशन आप चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, हम आपको डिटेल शेयर जरूर करेंगे और हो सकता है आपको कोई अच्छी यूनिवर्सिटी बता सके। और आप अगर कोई कंसल्टेंट हैं तो मैं आपको भी बता दूं कि अच्छी यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन दें स्टूडेंट्स को और साथ में ही उनकी हेल्प भी करें ताकि उनकी ये जो पीएचडी है कंप्लीट हो सके, और जो पीएचडी करना चाहते हैं जितनी फीस तय होती है उसी फीस में पीएचडी कंप्लीट हो सके, इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि आरटीआई एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, फिर भी आप चाहे तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं या फिर आरटीआई लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन डिग्री, एलओआर, ट्रांसक्रिप्ट, कुछ भी निकालना चाहते हैं और आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सकें, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पेंडिंग है। और दोस्तों कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए, आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम जो अक्सर स्टूडेंट्स के साथ देखी गई है। दोस्तों होता क्या है कि आप मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद जैसे ही पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि पीएचडी लगभग सभी करना चाहते हैं, अपने नाम के आगे डॉक्टर तो लगाना चाहते ही हैं, बट साथ ही साथ जॉब के लिए भी उनके लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों फीस का जो एक मुद्दा है, अक्सर देखा गया है कि फीस यूनिवर्सिटी की होती है 2.5 लाख 3 लाख। दोस्तों पूरे टेन्योर की बात कर रहा हूँ, पूरा जो पीएचडी का प्रोसेस, जो पूरा टाइम होता है वो 3 साल लगता है मिनिमम, तो इस पूरे ड्यूरेशन में लगभग आपको 2.5 से 3 लाख रुपए यूनिवर्सिटी को पे करना पड़ता है। पर मैं आपको बता दूं, आप में से जो कोई ये वीडियो देख रहा है और जिसने भी अभी 2.5 साल कंप्लीट कर लिए हैं किसी यूनिवर्सिटी से, या फिर जो 3 साल पूरे कर चुका है और अभी भी अगर यूनिवर्सिटी कोई ना कोई हवाला देकर आपसे फीस मांग रही है या आप पर कोई पेनल्टीज लगाई जा रही है या आपके ऊपर कोई फाइन लगाए जा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, और भी स्कॉलर्स को और भी स्टूडेंट्स को उससे मदद मिलेगी। ये यूनिवर्सिटियां ऐसा करती हैं, आपके साथ कोई अच्छा हेल्पिंग हैंड हो
तो आप बच सकते हो इन यूनिवर्सिटीज से कम कि वो मतलब कि आपके फालतू की फीसें नहीं लगने देगा, जो बीच में अगर स्ट्रांग कंसल्टेंट हुआ, वरना तो आपको उल्टी सीधी फीसें जमा करनी ही पड़ेंगी और कोई सपोर्ट नहीं करता एडमिशन लेने के बाद। जैसे ही आपकी पूरी फीस जमा हो गई, बस उसके बाद आप चक्कर ही काटते रहोगे और कुछ सॉल्यूशन मिलने वाला आपको है नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरी प्रॉब्लम के बारे में, जो अक्सर देखी गई है, जो स्टूडेंट साथ में प्रॉब्लम होती है। दोस्तों होता क्या है कि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन ले लिया। आप जब एडमिशन लेते हो, मान लीजिए कि आप कहीं से भी, दिल्ली से हो, हरियाणा से हो, यूपी से हो, कोई नॉर्थ ईस्ट की यूनिवर्सिटी आई, मतलब किसी ने आपको उसका नाम बताया और आपने एडमिशन ले लिया कुछ सहूलियत के लिए, और एडमिशन लेने के बाद आप फंस जाते हो। ना तो वो लोग डिग्री आपकी अवार्ड करते हैं, ना वाइवा करवाते हैं, ना ही प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ आप बिल्कुल पेंडुलम बनकर झूलना शुरू कर देते हो। और बहुत ज्यादा दूर यूनिवर्सिटीज ये होती हैं, इसीलिए आप यूनिवर्सिटी जा और आ नहीं सकते, इसीलिए आप यूनिवर्सिटी बार बार नहीं जा सकते, आपका बहुत खर्चा होगा, फ्लाइट की बहुत ज्यादा टिकट्स हैवी आती हैं, साथ में ट्रेन से जाओगे बहुत टाइम लगेगा, पैसा भी लगेगा, और ये यूनिवर्सिटी बार बार आपको बुलाना शुरू कर देंगी। सिर्फ परेशान करना चाहते हैं ये लोग, ये आपको इतना परेशान कर देंगे कि बाद में जाकर आप लाख, दो लाख रुपए, तीन लाख रुपए और एक्स्ट्रा दोगे, उसके बावजूद भी आपकी डिग्री अवार्ड होती नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि अगर जिस स्टेट में आप रहते हो उसी स्टेट की कोई यूनिवर्सिटी मिल जाए, या फिर कोई भी नेबर, मतलब कि साथ का ही कोई स्टेट लगता है आपके स्टेट से, वहां पर एडमिशन मिल जाए बहुत अच्छा है। मतलब अल्टीमेटली आपको यह देखना है कि यूनिवर्सिटी की आवाजाही, मतलब यूनिवर्सिटी में जाने आने के लिए आपको बहुत ज्यादा सोचना ना पड़े, तो आप ऐसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लें, वरना तो किसी की बातों में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और प्रॉब्लम होगी तो उससे निकलना भी आपको बहुत भारी पड़ सकता है। दोस्तों कोई भी किसी भी तरह के सवाल हैं आपके पीएचडी एडमिशन को लेकर, पीएचडी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें या फिर व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। हो सकता है हमारे की सजेशन से आपको हेल्प मिल सके। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि इसी तरह की जो एजुकेशनल वीडियोस आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।